आनंद, दुखी मत हो। मैं दुनिया में आने वाला ना तो पहला बुद्ध हूं ना ही अंतिम। आने वाले समय में एक और बुद्ध आएगा, वो पवित्र होगा, बुद्धिमान होगा, जो इंसानियत की मिसाल बनेगा। मैंने जो अनंत सत्य की बातें बताई हैं, वो भी बताएगा। वो ऐसे धर्म का प्रचार करेगा जिसका आरंभ भी प्रकाश होगा और अंत भी। वो ऐसा धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा जो पूर्ण पवित्र होगा। मेरे शिष्य तो सैकड़ों में हैं, पर उसके शिष्य असंख्य होंगे। वो मैत्रेय के नाम से जाने जाएंगे। बुद्ध के दिखाए इस मार्ग से आज हम कहीं भटक चुके हैं। दुनिया भर में हो रही जंग, हिंसा और मानवीय घटनाएं इस बात का प्रमाण है। देश और धर्म के नाम पर आज हम टुकड़ों में बट चुके हैं। इंसान इंसान का दुश्मन बन बैठा। सदियों से हम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए युद्ध का सहारा लेते आए हैं। अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करने की इस दौड़ में बुद्ध का दिया संदेश, उनका दिखाया मार्ग हमारे बीच धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। डॉक्टर श्री भूपेंद्र कुमार मोदी ने अपने जीवन का लंबा समय बुद्ध के दिए संदेशों का प्रचार करने में लगाया। ये कोशिश की है कि हम अपनी ईर्ष्या, द्वेष और नफरत की भावना से बाहर आकर एक सुखी जीवन जी सके। बुद्ध पे बनाई गई उनकी ये धारावाहिक उनकी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। बुद्ध के दिए उपदेश आज 2500 साल बाद भी हम पर लागू होते हैं, और इसीलिए बुद्ध की कहानी आप लोगों तक पहुंचाना डॉक्टर श्री भूपेंद्र कुमार मोदी के लिए एक जिम्मेदारी थी। आज के एपिसोड के साथ बुद्ध के जीवन यात्रा पर बने डॉक्टर मोदी के इस शो की समाप्ति होगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये समाप्ति आपके जीवन में एक नई शुरुआत लेकर आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा जन्म उस देश में हुआ जहाँ से बुद्ध की वाणी पूरे विश्व में गूंजी। आज लगता है ज्ञान और प्रेम की भाषा फिर जीत रही है। दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र भारत के प्रधानमंत्री ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में ये कहा कि हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। अहिंसा रूपांतरण है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता, हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है, और यही प्रकृति का अटल नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है, और यही भाव आप सबके अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही आपके अंतर से हो जाएगा। बुद्ध ने एक नया रास्ता दिखाया, शांति का रास्ता दिखाया, प्रेम का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आप प्रेम से लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। उन्होंने उस समय के जो शासक थे, जो कि चाहते थे कि वो चक्रवर्ती सम्राट बने, पूरे विश्व को जीते, उनको बताया शासन का जो विस्तार है वो अपने प्रेम से करें, लोगों को दिल के जीत के करें। राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव
आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री पिता भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे, कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें, सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं, सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता, आपने मुझे जगाया है। शाक्य मुनि बुद्ध की जय। हर आतंकवादी भी मनुष्य है और हर मनुष्य दिन प्रतिदिन बदल रहा है। यदि वो चाहे तो वो अपने को बदल सकता है, एक शांति का मार्ग ले सकता है। उसको बदलने के लिए उसको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। जब जागो तभी सवेरा, हर मनुष्य अपने जीवन को एक नया रूप किसी भी समय दे सकता है। वो ही एक तरीका है जिससे कि हम हिंसक लोगों को अहिंसक बना सकते हैं। बुद्ध ने बताया है कि अंगुलीमाल जैसा हिंसक भी अपने को बदल सकता है यदि वो चाहे तो। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, मैंने बहुत हत्याएं की है, अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं, जब आंखें खुले तभी सवेरा। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। मैं आपको वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा, आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता, व्यक्ति स्वयं संघ से जुड़ता है। क्रोध में आदमी की सोच और समझ दोनों खत्म हो जाती हैं। क्रोध को यदि वो अपने जीवन से निकाले तो वो संयम से सही डिसीजन ले पाएगा और उस डिसीजन से उसका भी लाभ होगा और बाकी सब लोग का भी लाभ होगा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने शांति को पा लिया और मैं क्रोध को पाल रहा हूं? ये तुम कह रहे हो, तुम्हारा अपना क्रोध ही तुम्हें पीड़ा देगा। मैं केवल
विवाद कर रहा हूं। विवाद से ही हम क्रोधित होते हैं, परम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपनी आत्म सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। मैं क्रोध नहीं कर रहा। छे तो अत्यंत शुभ बात, क्रोध करना अपनी हथेली पर गर्म कोयले को रखने के समान है जो हम किसी दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, पर इस क्रिया में हम स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। बुद्ध ने बताया कि क्रोध ऐसे है जैसे कि जलता कोयला अपने हाथ में रख के आप किसी पे फेंकना चाहें, वो सबसे पहले आपका खुद का हाथ जलाता है। ये मेरा अखेट है, इसे मैंने बचाया है, ये पक्षी मेरा है। अब ज्येष्ठा को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे। मैं पक्षियों को नहीं मार सकता, माँ, तेरे देव ने अपना स्वयं का संग खड़ा किया है। उसने सब कुछ त्याग दिया, इतनी यातना सही, इतनी तपस्या की, तब कहीं जाके सिद्धार्थ बुद्ध बना। युगों युगों में एक ही बुद्ध होता है। आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूं मैं। शांति से जाओ देवता। बहुत आपको बहुत क्षति पहुंचाई है मैंने। बहुत, मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं। बुद्धम चर बुद्ध ने कहा है कि अज्ञान ही दुख का कारण है। जन्म से मरण तक दुख ही दुख है। इंसान अपने सुख के कारण दूसरों से जुड़ना चाहता है, उनसे सुख की प्राप्ति की लालसा करता है। इस चक्कर में वो अपने से दूर हो जाता है। बुद्ध हमें अपने से जुड़ने को कहते हैं। जब हमने अपने से अपने को जोड़ लिया, अपने मन पे विजय पा ली, तो हमने संसार जीत लिया। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हम थोड़े समय के लिए ही इस संसार में आए हैं, तो हम धन की तरफ भागने की जगह अपने आसपास एक सुख और ज्ञान का वातावरण तैयार करते हैं, जिससे कि आपके मन से भय और दुख निकल जाता है और मन शांत रहता है। ज्ञान आपको निर्वाण की तरफ ले जाता है। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा,
ईर्ष्या भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है, मध्य में ही रहो। धूमकेतु तारे की तरह ना शरीर को सुखाओ ना उसकी वासना को चारा खिलाओ, मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख चिंता समाप्त हो जाती है, तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है। दुनिया में वही इंसान सुखी है जिसका मन शांत है। मन की शांति आपको कभी किसी भ्रम में नहीं डालती। जिसकी भी आंखों में मैंने अपने लिए प्रेम और आदर देखना चाहा, उसने एक एक कर मुझे ठुकरा दी, और बुद्ध को चुना। बुद्ध अनमोल है, वो समस्त मानव जाति को सवारने आए हैं, वो हम सबके दुख दूर करेंगे। अपनी आंखों से अहंकार का पर्दा हटाओ जात शत्रु। बुद्ध कहते हैं अल्प ज्ञान ही विवेकहीनता है। बुद्ध कहते हैं कि भय से मुक्त हो जाओ, भयभीत होके ये मत सोचो कि कल क्या हो, मेरा क्या हो, किसी पे निर्भर मत रहो। और जब भय को अस्वीकार करोगे तो संपूर्ण मुक्ति मिलेगी। मेरे अंदर के सब घाव एक साथ रिसने लगे हैं, इतनी पीड़ा तो मृत्यु में भी नहीं होती। पीड़ा से मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे शांति चाहिए। शांति तुम्हारे अंतर में ही है, उसे बाहर मत खोजो। बुद्ध, मैं भीतर से खंडित हो रहा हूं, मेरे तार तार छिन्न भिन्न हो रहे हैं। मैं संगीत में रुचि है। हाँ हाँ बुद्ध, मैं वीणा बजाना जानता हूं। तो एक बात समझाओ, यदि वीणा के तार ढीले हों तो क्या तुम उसे बजा सकोगे? नहीं बुद्ध, वो बेसुर ही बजेगा। सत्य कहा। और यदि उसके तार अत्यधिक कसे हुए हों तो? वीणा बजाने पर तार टूट जाएंगे। अर्थात तार वैसे कसे ना तो वो अत्यधिक ढीले हों ना अत्यधिक कसे हुए। यदि तारों के बीच सामंजस्य हो तो ही संगीत उभरेगा, है ना? सत्य कहा आपने। अभी तुम्हारे तार कसे हुए हैं आजाद शत्रु, चेष्टा करोगे तो वो टूट जाएंगे। स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ और वीणा के तारों की तरह ही अपने अंतर के तार को पहचानने से संगीत उभरेगा, अवश्य उभरेगा। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में कई तरह के भेदभाव, चाहे वो रंग भेद, जाति भेद, आर्थिक भेद, गौतम बुद्ध ने इस भेदभाव का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि जब कुदरत हमसे कोई भेदभाव नहीं करती तो हम इंसान क्यों आपस में बंटवारा करते। आप मुझे ना छूएं, नहीं तो मेरी छाया भी पड़ी आप दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाऊंगा मैं? तुम भी हम सभी की तरह मनुष्य ही हो, और एक मनुष्य का स्पर्श
दूसरे मनुष्य को कैसे दूषित कर सकता है? केवल लालच, घृणा, मोह, तृष्णा, हम ही मनुष्य को दूषित करते हैं। कैसे महात्मा हो तुम? तुम्हें तो जाति वर्ण का ज्ञान भी नहीं है। चोला पहने कोई सन्यासी नहीं होता। अरे पाखंडी हो तुम, पाखंडी। जो मानव से उसकी मानवता को छीनता है पाखंडी वो होता है। यदि मुझे पाखंडी कहे, आप सभी को संतोष मिलता है तो ये उचित है। परंतु इस मनुष्य में भी हमारी तरह प्राण बसे, इसे नीचा कहे, इसका तिरस्कार करना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि जानते नहीं हो तो मैं बता दूं, ये धर्मशास्त्र है। पाखंड कैसे हुआ? जिस मिट्टी से सारी मानवता का सृजन हुआ उसी से इसका भी हुआ। मानव और मानव में भेद कर आप सृजनकर्ता पर कीचड़ उछाल रहे हैं। यदि हम आकाश में कीचड़ उछालेंगे तो आकाश तो ऊंचा ही रहेगा परंतु कीचड़ वापस हमारे ऊपर ही गिरेगा। आकाश ने तो भेद नहीं किया, वो हम सभी को एक पिता समान ढके हुए है। ये धरती धान उपजती है, इसने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया। ये हवा हम सभी के लिए समान बहती है। पानी हर प्यासे की तृष्णा को बुझाता है। जब प्रकृति भेदभाव नहीं करती तो हम मनुष्य में भेदभाव क्यों करते हैं? यदि ऐसा है तो इसे संघ में भिक्षु क्यों नहीं बनाते? बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। सुनीत, क्या तुम भिक्षु बनना चाहोगे? मैं बुद्ध स्वागत करता हूं सुनीत का हमारे भिक्षु संघ में। समय के साथ लोग एकता और भाईचारा को भूल गए। सारा समाज चार वर्णों में विभाजित हो गया। मेरे खुद का परिवार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में उलझ गया। परंतु बुद्ध की शिक्षा और विचारों के कारण मैं एकता के मार्ग पर निकल पड़ा। हर मनुष्य के अश्रुओं में नमक होता है, उसके लहू का रंग लाल होता है। ये भेद मनुष्य ने मनुष्य को उत्प्रेरित करने के लिए बनाए। आज मैं इन भेदों को काटता हूं। आज सुनीत को दीक्षा देना क्रांतिकारी होगा। हम पर बहुत से संकट आएंगे, हमें और तिरस्कृत किया जाएगा, पर सत्य आने वाली आंधी के सामने अडिग रहेगा। बुद्ध ने बताया कि हर औरत सक्षम है किसी भी क्षेत्र में आगे आने के लिए, जैसा ज्ञान प्राप्त करना चाहे करे, और यहाँ तक कि वो यदि चाहे तो उसको भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। प्रणाम महादेवी, आप यहां इस दशा में? पुत्रानंद, भिक्षु बनने का अधिकार केवल पुरुष का तो नहीं, और मुझे इतना तो ज्ञात है कि मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। शांति पाने का अधिकार सबको है, बुद्ध ने स्वयं कहा है। धनी निर्धन, छूत अछूत, सब संघ में आ सकते हैं। आशा है स्त्रियों के साथ भेद ना होगा। आप सभी भोजन और स्नान करके आइए, आज ही आपको दीक्षा दी जाएगी।
जब हमारा कोई प्रियजन, माता पिता, भाई बहन या कोई मित्र की मृत्यु होती है तो हम दुख का अनुभव करते हैं। उस समय क्या हम अपने मन को शांत कर सकते हैं? देखिए बुध ने इसके बारे में क्या कहा। मैं बहुत आशा लेके आई हूँ आपके पास। प्रभु प्रभु मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। इस निर्धन की पीड़ा का निवारण कर दीजिए, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए प्रभु। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो प्रभु। मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। किसी भी एक घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। हाँ प्रभु, मैं तुरंत लेके आऊंगी। पर एक बात ध्यान रहे, ये सरसों के दाने केवल उसी घर से लाना जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। हाँ प्रभु। मेरा बच्चा। एक मुट्ठी सरसों का दाना मिलेगा? हाँ अवश्य मिलेगा, मांगा भी तो इतना सा। परंतु एक बात बताइए, आपके यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं हुई ना? बहन क्या बताऊं, छह माह पूर्व मेरे माता और पिता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्षमा कीजिए, मैं आपसे सरसों नहीं ले पाऊंगी। मेरी पत्नी का देहांत हो गया, मेरा युवा पुत्र मर गया, मेरा पुत्र मेरी बहू दोनों मर गए, मेरी बीवी मेरा बच्चा सब बाढ़ में बह गए। सुनिए, खोलिए, कोई है? डोर खोलिए। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित, यही प्रकृति का नियम, चाहे युवा हो या वृद्ध, या ज्ञानी हो या अज्ञानी, मृत्यु सभी को आनी। ये बात मैं तुमसे पहले कहता तो क्या तुम इसे मानती? चंद्रमा हर रात्रि आकाश में यही परम सत्य दर्शाता है, पहले वो खिलता है फिर उगता है और पूर्णिमा को पूर्ण गोलाकार आकार लेता है।
और अमावस्या को वो लुप्त हो जाता है। परंतु वो लुप्त नहीं हुआ, वो केवल अप्रगत हुआ। तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, परंतु तुम्हारे अंतर में। उसकी अटखेलियां, उसका बालपन। तुम शांत हुई तो समझ सके। परम सत्य ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, दुख मनुष्य के साथ छाया की तरह चलेगा। इस दुख का कारण है वस्तु से स्वयं को बांधना, ये जानते हुए कि वस्तु क्षण भंगुर है। प्रभु, प्रभु इससे मुक्ति कैसे पाए? मुक्ति के लिए विवेक जगाना आवश्यक है। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, स्वयं को इन दोनों के बीच स्थिर करो। इस मार्ग पर चल, दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। और जब तुम्हारे अंतर में ये चेतना जागेगी तो तुम पाओगे कि जन्म मरण, मिलन वियोग दो नहीं, एक ही है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आपके आसपास के लोग खुश रहे। एक सुखी वातावरण में कोई भी आदमी अकेला या दुखी नहीं रह सकता। इस सुखी वातावरण के लिए जरूरी है रिश्ते, वो रिश्ते जो आप लोगों से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाते हैं। रिश्तों की महत्ता को समझते हुए ये जरूरी है कि आप सबको सम्मान और प्रेम दें। हर रिश्ता विश्वास पर टिका हुआ, जैसे कि आदर्श पति पत्नी का रिश्ता, जो एक दूसरे के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं, अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा, उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत का पालन पत्नी करती ही है, पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना, पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना, उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना, अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले उसके कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दे। अच्छे मनुष्य की संगत करो, बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे, वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या गृहिणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन
वैभव सुख संपदा सब में बांट, जुआ और नशे से दूर रहो। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है, और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारी को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला, आकाश मिला, ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा, यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई। यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। मृत्यु क्या है, क्यों हमें मृत्यु से भय लगता है? जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर मृत्यु, ये तो जीवन का क्रम है। तो क्या हम मृत्यु के समय सुख का अनुभव कर सकते हैं? बुद्ध के पिता की मृत्यु के समय उन्होंने क्या अनुभव किया और क्या समाज को संदेश दिया, आइए देखें। तुम्हें देखने की इच्छा ने पहले सांसें संभाल के रखी थी। पिताश्री, धीरे धीरे सांसें लीजिए। इस समय आपकी सांसें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं, राहुल, नंद, आनंद, महानाम, हम सब आपके साथ सांसें लेंगे। जीवन की क्षण भंगुरता में मैंने अनुभव किया है, जीवन की तृष्णाओं में स्वयं को उलझा दिया। तो आनंद कभी प्राप्त नहीं होता। सादा जीवन यदि व्यतीत करो तो आनंद प्राप्त होता है। तुम्हारे कपिल वस्तु से जाने के बाद महाराज ने सादा जीवन ही व्यतीत किया, तुम्हारे दिखाए हुए मार्ग पर ही चले। पिताश्री, आप मुझे देखिए, राहुल को देखिए, नंद को देखिए, बाहर लहलहाते पेड़ों को देखिए, उनपे हरे पत्तों को देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जीवन कभी समाप्त नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। वैसे ही आप मुझ में जीवित रहेंगे, राहुल में जीवित रहेंगे, नंद में जीवित रहेंगे, यहां जितने भी आपके प्रियजन हैं उन सभी में आपकी जीवन ऊर्जा विद्यमान। देखिए, राहुल आपके शरीर का ही अंश है। तुमने मेरे हृदय में जो मृत्यु का भय था वो निकाल दिया। महाराज, महाराज, देव। बुद्धा ने कहा है कि जीवन का मूल्य उद्देश्य खुद को पहचानना। ये जीवन जो कई विषमताओं, कई पीड़ाओं और रहस्यों से जुड़ा हुआ है, हमें इन सब से हटकर अपने उद्देश्य को तय करना है, और ये जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति ज्ञान और सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही हो सकती। सत्य तो यह है कि मनुष्य वर्तमान में जो भी है
अपने किए से है, आगे जो भी होगा अपनी करनी से होगा, कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या आप ये मानते हैं कि दुख सत्य है? क्या आप ये भी मानते हैं कि दुख के कारण भी है? हाँ। यदि कारण है तो दुख तो रहेगा, और यदि कारण ही समाप्त हो जाए तो दुख भी लुप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधेरा। आप सुनी सुनाई बातें नहीं कहते, अपने गहन अनुभव के आधार पर कहते हैं। आप धर्म और सिद्धांत की नहीं, देखी हुई बातें कहते हैं। आपने कहा कि मुक्ति का मार्ग है अपने विवेक को जगाना और गूढ़ ध्यान में लिप्त हो जाना, जिससे मनुष्य स्वयं को और इस संसार को भली भांति समझ सकता है। परंतु एक प्रश्न है, ये जो सारी विधियां हैं, रीतियां हैं, पूजा पाठ हैं, क्या ये सब व्यर्थ है? यदि कोई व्यक्ति इस नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहे तो वो क्या करे? यदि जल गहरा नहीं है तो वो चलकर जा सकता है, और यदि जल गहरा है तो वो नाव की सहायता से जा सकता है या स्वयं तैर कर जा सकता है। यदि वो चलना ना चाहे और ना ही तैरने को तैयार हो और ना ही नाव ले जाने को तैयार, और वो कहे कि मैं प्रार्थना करता हूं इस नदी का दूसरा किनारा स्वयं चलकर मेरे पास आ जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति को मूर्ख कहेंगे, महामूर्ख। इसी प्रकार यदि व्यक्ति अज्ञान और भ्रांति को अपने विवेक से मिटाएगा नहीं तो परम आनंद और मुक्ति के दूसरे छोर पे कैसे पहुंच पाएगा? चाहे वो पूजा करे या अनुष्ठान, या व्रत करे या किसी नीति पर चले, वो इस किनारे ही रहेगा। दोस्तों, आज का मनुष्य सुख और शांति बाहर ढूंढ रहा है। जब तक अपने विवेक से अपने अंतर का ज्ञान वो नहीं मिटाता, वो सुख और शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपना मार्ग खुद ढूंढें। अपो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनना, अपने बुद्ध को पहचानना, जागो और धर्म के मार्ग पे चलो, अपने अंतर के संग को साधो, अपनी शरण में जानो, किसी को ना खोजना, जो है सब अस्थिर है उसके बीच स्थिर रहना, परिश्रम से निरंतर संघर्ष